जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कलर बर्ड पर कई सारी वीडियो बनाई हैं और आपको दिखाई हैं। आज हम बिल्कुल नए बर्ड पर एक वीडियो बना रहे हैं जो दिखने में ब्रॉयलर जैसा है, लेकिन ये ब्रॉयलर नहीं है और इसकी अंडा उत्पादन क्षमता जो है वो 300 अंडा एक साल में है। ये दिखने में सफ़ेद ज़रूर है, लेकिन इसे हम देसी मुर्गी की तरह पाल सकते हैं। तो चलिए आज फिर एक बार मिलवाते हैं आपको रोहित जी से और जानते हैं इस ब्रीड के बारे में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित है, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं डॉक्टर साहब के इस प्रयास की जो आपके लिए निरंतर कर रहे हैं काफ़ी सराहना करता हूँ और इन्हें बधाई के पात्र हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। रोहित भाई, मैं देख रहा हूँ ये जो ब्रॉयलर जैसी ब्रीड है वाइट कलर में, कौन सी ब्रीड है? सर, ये ब्रॉयलर जैसी दिखने वाली, लेयर जैसी दिखने वाली ब्रीड, बेसिकली अगर हम जाते हैं आज से 25-30 साल पहले एक वाइट लेग हॉर्न करके बर्ड हुआ करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। बेसिकली ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन का बर्ड है, हम बात करते हैं ये इंग्लैंड का बर्ड है और ये बर्ड से ही आपका जो है अंडा देने वाली मुर्गी की उत्पत्ति हुई है, इसके जीन्स वगैरह जेनेटिक्स इसके चेंज करने के बाद। और बात करते हैं, ये वो मुर्गी है जिसकी अंडा देने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। एक साल में लगभग ये मुर्गी 300 के आसपास अंडा देती है और वाइट कलर का अंडा देने के लिए कमर्शियल फार्मिंग के लिए आज से 30 साल पहले इसी मुर्गी का प्रयोग किया जाता था। तो बीच में कहाँ गई थी ये ब्रीड? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल मुनासिब है। एक्चुअली क्या था कि पहले मुर्गी पालन का या डेयरी फार्म का या बकरी पालन का जो व्यवसाय था, एक किसान का एक सह व्यापार के तौर पर उसका काम करता था। एक हम बात करते हैं कि उसके लिए जो पशुधन का काम था वो छोटे स्तर पर फार्मर किया करता था। किसी ने 200 मुर्गी रख ली, किसी ने 500 मुर्गी रख ली, किसी ने 700 रख ली, लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ बदलता गया और इस मुर्गी ने अपनी जगह बना ली केज में। केज में एक एक लाख बर्ड के, दो दो लाख बर्ड के, पाँच पाँच लाख बर्ड के फार्म बनने लगे। कमर्शियल स्केल पर लोग इसे पालने लगे, जहां पर पहले एक आम किसान 200-400 अंडे उत्पादन करके अपना घर का गुजारा करता था, वही छोटे किसान से ये चीज़ छीन कर बड़े बड़े, अगर हम बात करते हैं, व्यापारियों के, कंपनियों के हाथ में चली गई और बड़े स्केल पर केज वाली मुर्गा पालन वाली जो प्रथा है वो चलने लगी। तो ये मुर्गी वही है, लेकिन इसे केज में डाल दिया गया, इसके नाम बदल दिए गए, लेकिन बर्ड वही है ये। मतलब कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी हुई और फिर से ये आपने स्टार्ट की है, तो क्या वजह रही इसको शुरू करने की आप? जी देखिए, एक छोटी सी समस्या आती थी, जैसा आप जानते हैं हम ज़्यादा, डॉक्टर साहब के चैनल पर पहले भी वीडियो देख चुके हैं कि हम ज़्यादा कलर्ड बर्ड में काम कर रहे हैं। WFG या RIR है या कड़कनाथ है या फिर ब्लैक एस्ट्रोलोप है, इनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में तो उनका अंडा ठीक ठाक बिक जाता है। गर्मी के मौसम में लोगों के दिमाग में एक जो है फोबिया है, माइंड के अंदर एक बात है कि गर्मी के मौसम में जो है ये देसी अंडा गर्म करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो वाइट एग है, सफ़ेद अंडा है, इसकी एक प्रॉपर मार्केट है। अगर छोटा फार्मर है उसके पास चाहे 200 अंडा है या 500 है, 1000 अंडा है, उसका अंडा उसके फार्म से ही बिक जाता है वाइट अंडा। लेकिन अगर हम बात करते हैं देसी अंडे को बेचने में थोड़ी सी मुश्किलें सामने आती हैं। हाँ, कीमत में कम जरूर बिकता है, लेकिन बिक जाता है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना जो किसान 100-200-400 मुर्गी का छोटे स्तर पर फार्म करना चाहते हैं, उनके लिए भी उसी ब्रीड को उसी तरीके से दोबारा लेकर आया जाए। रोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि एक केज बर्ड था, क्या ये फ्री रेंज में भी सक्सेसफुल है? हाँ सर, देखिए ये बर्ड बेसिकली कोई भी मुर्गियाँ डेवलप वो हुई है सर, आपका डीप लीटर में पलने के लिए या आपका फ्री रेंज टाइप में पलने के लिए, ये बाय नेचर, इसे हमने नहीं बनाया, बाय नेचर डेवलप हुआ ये बर्ड जी। लेकिन केज में लेकर आए हैं हम इसे, इसके जेनेटिक्स चेंज करके। अच्छा। किसी कंपनी ने कुछ नाम से इसे बना दिया एग प्रोडक्शन लेने के लिए, उसके कुछ जीन्स चेंज कर दिए, मतलब उसको बाद में चेंज किया गया है। लेकिन बेसिकली इस बर्ड को जो रखने का सही तरीका है वो इसे डीप लीटर या फ्री रेंज ही है। मतलब एक किसान चाहे तो थोड़ा बहुत फेंसिंग वगैरह करके थोड़े बहुत बर्ड फ्री रेंज में रख सकता है। ये बताइए, ये जो ब्रीड है दाना कितना लेती है एक दिन में? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए सर, दाना हम एक दिन से लेकर के अंडा देने तक की हम बात करते हैं, क्योंकि ये मुर्गी है चूजा मान लेते हैं, वो शुरुआत में थोड़ा कम दाना खाता है, मान लेते हैं चूजा है 10 ग्राम दाना खा रहा है, 15 ग्राम खा रहा है, लेकिन बड़ा होने तक इस मुर्गी को लगभग आपका 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम तक दाना चाहिए जी। 12 किलोग्राम तक दाना चाहिए जब तक ये अंडे पर आती है। उसके बाद अंडे पे आने के बाद मुर्गी को दाना जो है 120 ग्राम से 130 ग्राम दाना इसे चाहिए मैक्सिमम।
देखिए वो बात डिपेंड करती है उसकी जो आप दाना दे रहे हैं उसके अंदर जो है प्रोटीन कंटेंट वैल्यू क्या है, एनर्जी क्या है, लेकिन 110 ग्राम से लेकर के 130 ग्राम के बीच में ये दाना खाकर अंडा देती है। मुर्गियां तो अंडे दे रही हैं, मुर्गों का क्या करते हैं? हाँ देखिए मुर्गों का आपने अच्छा सवाल किया है। मुर्गा जो है बेसिकली इसके मुर्गे को हम वैसे जो बोलते हैं देसी भाषा में कॉकरेल बोल देते हैं, लेकिन बात करते हैं ये मुर्गा जो है चिकन पर्पस के लिए नहीं है डेवलप। देखिए हमने तो यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि इसमें से हमने चिक्स निकालना है, उसी हिसाब से हमने मुर्गा यहाँ पर रखा हुआ अपने पास, लेकिन ये मुर्गा जो है चिकन पर्पस के लिए पालने के लिए नहीं है। हाँ बिक जाता है बाजार में, देखिए मुर्गी की ब्रीड है और मुर्गी की ब्रीड आप जे लेकर जाएंगे कहीं पर मंडी में, व्यापारी आपको पैसा दे देगा, लेकिन फार्मर के लिए चिकन पर्पस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अंडा देने वाली ब्रीड है मुर्गी, जो है अंडा देने वाली ब्रीड है, मुर्गी को रखें, मुर्गी से अंडा उत्पादन ले, आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे। आपने बताया कि ये अंडा पर्पस से है जी, तो अंडा पर्पस से तो तभी बेनिफिशियल होगी कि अगर इससे प्रोडक्शन एक अच्छी प्रोडक्शन होगी और किसान को फायदा होगा, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ देखिए अंडा प्रोडक्शन के अंदर से अगर हम बात करते हैं कि लगभग 300 के आसपास ही अंडा देती है, कुछ बातें डिपेंड करती है फार्मर के रख रखाव पे, कई जगह पर हमने इसका रिकॉर्ड 280 भी देखा है, कई जगह 300 भी देखा है। कुछ फार्मर हैं जिनकी शायद हो सकता है सेवा में कुछ कमी रह जाए, 260 भी रह सकता है अंडा, लेकिन अंडे के लिए पर्पस के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। और अंडे की बात करते हैं तो रोज़ का अगर मान लो फार्मर 100 मुर्गी भी रखता है, उसके बाद रोज़ का अगर 70-80 अंडा भी आता है तो दाना वगैरह खिलाकर जो है अपना रोज़ का अगर 70 अंडा भी आता है तो 200-400 रुपये रोज़ का जो है अपना जो खर्चा वगैरह निकाल सकता है अपना। अमूमन अंडा किस रेट जाता है इसका? अमूमन अंडा देखिए सर वाइट अंडे की अपनी एक मार्केट है, एक बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पर ही जो है वाइट अंडे की मार्केट है, और रेट डेली का होता है सर। ये कब 3 रुपये का हो जाए या कब 5 रुपये का हो जाए ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है अंडे का रेट यही 4 रुपये से 5 रुपये के आसपास रहता है। किसान को क्या फ़ायदा है इस ब्रीड को रखने का? यदि वो फ्री रेंज भी करता तो क्या कामयाबी होगी? हाँ देखिए किसान अगर कम दाने पर थोड़ा बहुत इसे जो है अपने घर का मक्का बाजरा वगैरह इन सब चीज़ों को रखता है, थोड़ा बहुत बाहर का फीड भी यूज़ करता है, 150 मुर्गी 200 मुर्गी से करता है तो उसके लिए अच्छा बेनिफिशियल है। दूसरी बात यह है कि जो बर्ड हम केज में रखते हैं, मैं किसी भी ब्रीड का क्योंकि सभी कंपनीज ने डेवलप की है नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है, दाना कम खाती है। दूसरी बात यह है कि ये मुर्गी आपको जो है साल में अगर मान लेते हैं अंडे देती है 200-300 अंडा देती है एक साल में, तो आप प्रति मुर्गी अगर दाना खिलाकर कैलकुलेट करते हैं तो एक मुर्गी आपको आराम से 200 से लेकर 300 रुपये बचा कर दे सकती है। जो इसके चिक्स हैं कहाँ से मिलेंगे किसान को और क्या रेट मिलता है? हाँ देखिए वैसे इसका चिक्स आपको जो है काफ़ी जगह उपलब्ध हो सकता है, अपने नियर बाय किसी एचरी में संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी आप चिक्स ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी चिक्स लें इस बात को आप श्योर कर लें कि आपको प्योर ब्रीड का चिक्स मिल रहा है, प्योर ब्रीड का चूजा मिल रहा है। काफ़ी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ भी इसे देती हैं और आप जब भी इन चिक्स को लेंगे इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें, प्योर ब्रीड के साथ साथ इस मुर्गी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इन बातों का भी ध्यान रखें। लोग अमूमन इसको यही समझेंगे कि ये ब्रॉयलर ब्रीड है और ब्रॉयलर ब्रीड में बीमारी भी ज़्यादा आती है, एंटीबायोटिक भी ज़्यादा दी जाती हैं जी। इस ब्रीड का थोड़ा सा बताइए कि ये ब्रीड ब्रॉयलर और देसी के मुकाबले कहाँ ठहरती है और इसमें बीमारियाँ कैसी हैं और क्या दवाइयाँ और क्या वैक्सीन इसमें दिया जाता है? देखिए सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए सर पहली बात तो कोई भी बर्ड है या कोई भी जानवर है, बकरी पालन है, आपका जो भी है पशुपालन है, देखिए सबसे पहले तो हमें फार्म की साफ़ सफाई का, उनके ड्रिंकर फीडर खाने में जो दे रहे हैं इस चीज़ का अगर हम समय समय पर ध्यान रखेंगे, टाइम टाइम पर उनको ट्रीटमेंट देते रहेंगे, जैसे कि पेट के कीड़े की दवा है डिवॉर्मिंग करनी, या जैसे कि छोटे मोटे जैसे वैक्सीन्स वगैरह हम इसे करते रहेंगे, मेडिसिन के तौर पर अगर हम बात करते हैं कोई लाइट एंटीबायोटिक टाइम टाइम पर देते रहेंगे डॉक्टर के परामर्श अनुसार तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कोई मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह ये सब हमें टाइम टाइम पर देते रहना चाहिए। लेकिन बात आपने सवाल किया है कि ब्रॉयलर के मुकाबले, देखिए ब्रॉयलर के मुकाबले बीमारियां बहुत कम हैं, उसका कारण क्या है कि ब्रॉयलर के मुकाबले बीमारियां कम हैं कि क्योंकि ये बर्ड एक बात करते हैं कि लंबे समय तक पलने वाला बर्ड है, और दूसरी बात आप देखते हैं कि ब्रॉयलर में इतनी चुस्ती फुर्ती नहीं होती, एक जगह पर डीलर डाला पड़ा रहता है, कुछ यहाँ पर आपको इतनी स्मेल नज़र नहीं आ रही बर्ड में, अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है बर्ड, ऐसा नहीं है कि खाया और वहीं पर बैठा रहा और पूरा मतलब एक्टिविटी रहती है बर्ड में, तो ब्रॉयलर के मुकाबले इसमें बीमारियाँ कम आती हैं। दर्शकों ये थे हमारे साथ में रोहित भाई, जिन्होंने आपको अपने फार्म के बारे में और वाइट लेगहॉर्न
मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।